subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ कि आप विदाउट नंबर अपना जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आप बिना नंबर से जीमेल अकाउंट कैसे आपको क्रिएट करना है। इसके लिए आपको अपने फोन की जीमेल आईडी में आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको अपने यहाँ पे जीमेल अकाउंट में आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड 3 डॉट टॉप पे आपको वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग, नीचे बॉटम पे सेटिंग लिखा हो तो आप सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करने बाद यहाँ पे आपकी आईडी दिखा दी जाएगी जो ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है। यहाँ पे देख लीजिए नीचे लिखा हुआ ऐड अकाउंट, तो आपको ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देना है। ऐड अकाउंट पे क्लिक करने बाद यहाँ पे गूगल लिखा हुआ फर्स्ट नंबर पे आपको गूगल पे क्लिक कर लेना है। गूगल पे क्लिक करने बाद यहाँ पे दोस्तों आपको अपना फिंगरप्रिंट लगाना है। फिर आपको यहाँ पे देख सकते हैं नीचे बॉटम पे लिखा हुआ लेफ्ट साइड यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट अकाउंट, तो आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने बाद यहाँ पे लिखा यहाँ पे फॉर माई सेल्फ, तो आपको फॉर माई सेल्फ पे क्लिक कर देना। क्लिक करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम डाल देना। डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट लिखा होता है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज कर लेनी है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करने बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर चूज कर लेना। नीचे बॉटम पे लिखा हो नेक्स्ट, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने बाद दोस्तों आपको कुछ चूज करने के लिए आईडी दिखा दी जाएगी कि अभी ऑलरेडी यहाँ पे देख लीजिए जो भी आपने यहाँ पे चूज करोगे वो आपकी आईडी यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आईडी सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट लिखा हो, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल लेना। दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ नीचे बॉटम पे देख सकते हैं, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्किप कर देना। स्किप करने के बाद दोस्तों आपकी आईडी दिखा दी जाएगी, नेक्स्ट कर दिया जाएगा यहाँ पे, तो आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना। आई एग्री पे क्लिक करने बाद दोस्तों आपकी जो आईडी है वो क्रिएट हो गए यहाँ पे आपको मिल जाएगी। बिना नंबर के आपको ऐसे अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट करना।